गेट वैक्सीनेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको घर पे भी पूरी सेफ्टी के साथ रहना है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आई विश आप सब लोग अच्छे हों। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरी कोविड जर्नी, हाउ आई गॉट अफेक्टेड विद कोविड एंड क्या मैंने किया टू क्योर दिस एंड वट आर दी आफ्टर इफेक्ट्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या आफ्टर इफेक्ट्स मैं फेस कर रही हूँ उस कोविड के बाद, वो मैं आप लोग के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। आज 30th है एंड इससे पहले 30th अप्रैल, यहाँ से शुरुआत हुई थी मेरी कोविड की। 30th के पूरा दिन आई वॉज लाइक ओके नॉर्मल। 30th की नाइट जब आई वॉज हैविंग डिनर, उस समय पे मुझे थोड़ा सा एक बॉडी एक स्टार्ट हुआ होना, जनरली फीवर से पहले हम फील करते हैं वैसा। एंड डिनर फिनिश करके जब मैं अपना सोने की तैयारी कर रही थी एंड जैसे ही मैं रूम में आई, सडनली मुझे बहुत बेचैनी होने लगी थी। इट वाज मतलब एकदम से इतनी गर्मी मुझे लगने लगी फॉर फ्यू मिनट्स, तो मुझे बहुत बेचैनी होने लगी एंड आई स्विच्ड ऑन द फैन बिकॉज गर्मी के दिन भी थे, गर्मी के दिन चल रहे हैं ऑब्वियसली, तो मैंने फैन ऑन किया एंड फैन ऑन करने के विद इन 2 मिनट्स आई वॉज नॉट एबल टू टेक, मतलब वो फैन को मैं नहीं झेल पा रही थी एंड और मुझे अजीब सी शिवरिंग होने लगी एंड मैंने फ़ैन कम कर दिया एंड मैं उसे 3 पे चलाना मैंने स्टार्ट कर दिया एंड उसके बाद थोड़ी देर बाद वो भी मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ एंड वो भी मैंने कम करके देन 1 पे मैंने फ़ैन रखा अपना एंड बाहर बहुत गर्मी थी, एक्चुअली बहुत गर्मी थी, पर उस समय पर मुझे इतनी शिवरिंग होने लगी कि मैं 1 पे जो फ़ैन था उसे भी नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी एंड जो हम विंटर्स में ब्लैंकेट ओढ़ते हैं मोटे वाले वो मैंने ले लिया, लकीली वो निकला हुआ था तो वो मैंने ले लिया एंड इट वाज लाइक मैं ऐसे ऐसे कांप रही थी ब्लैंकेट के अंदर, बट 1 पे फ़ैन मुझे रखना था बिकॉज मैं अगर मैंने बंद किया तो मुझे बेचैनी हो रही थी, तो 1 पे फ़ैन ऑन करके आई वॉज ट्राइंग टू स्लीप और जो बॉडी एक था ओ माई गॉड दैट वॉज हॉरेबल, बहुत बुरा था। सो तो मेरे को फीवर रहा अराउंड 102 के अराउंड मुझे फीवर रह रहा था ड्यूरिंग द पीरियड। मेरा फीवर जो हाईएस्ट रहा मतलब 102 ही आ रहा था, 102 और या तो फिर नॉर्मल या फिर 102, ये मेरा चल रहा था टेम्परेचर। तो आई डोंट नो व्हाई बट बिकॉज कोरोना का सेकेंड वेव चल रहा है एंड इट इज़ वेरी डेंजरस, तो मुझे एक डाउट मतलब आई फेल्ट कि इट कुड बी कोविड एंड सो नेक्स्ट मॉर्निंग आई डिसाइडेड नॉट टू गो आउट फ्रॉम द रूम एंड आई कॉल्ड अप इन द फैमिली कि मुझे फीवर है और मैं बाहर नहीं आऊँगी और मुझे लग रहा है कि मुझे कोविड है एंड सो मैंने इस तरीके से इन्फॉर्म कर दिया कि मुझे कोविड के डाउट हैं एंड दैट वाज अ वाइज डिसीजन आई गेस आई कैन से आई टुक बिकॉज अगर शायद मैं उस दिन उसे नॉर्मल फीवर की तरह लेकर बाहर जाती तो आई वुड हैव गिवन इट टू मैनी ऑल द फैमिली मेम्बर्स। सो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ये बात है, पर आप घर पे भी सेफ्टी के साथ रहिए क्योंकि बिकॉज मुझे कोविड जो ये आया आई डोंट नो कैसे आया बिकॉज आई वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं कहीं नहीं जा रही थी, आई वॉज 24/7 इनसाइड द हाउस, तो पता नहीं कैसे अचानक से आई गॉट इट। सो द वेरी इम्पॉर्टेंट, आपको घर पे भी पूरी सेफ्टी के साथ रहना है, घर पे भी आप बिल्कुल वो मत करिए बिकॉज कोविड इस समय आप
कुछ भी नहीं समझ सकते कि कहाँ से आपको ले लेगा, कहाँ से आप इसकी चपेट में आने वाले हैं, कहाँ से आपको पकड़ेगा, कुछ पता नहीं है। सो बेटर कि घर पे भी सेफ्टी के साथ रहिए आप लोग। सो स्टार्टेड, सो जो मेरे सिम्टम्स रहे, आई टोल्ड यू मुझे ठंड लगी एंड देन मुझे फीवर आया एंड एक्सट्रीम बॉडी एक था बहुत भयंकर वाला एंड मेरे धीरे धीरे सो मॉर्निंग आई टुक पैरासिटामोल, मैंने ले लिया एंड ताकि फीवर कंट्रोल रहे। मैं बाहर नहीं जा रही थी पर फिर भी देर इज़ मतलब कुछ था कि हो सकता है नॉर्मल फीवर हो और ठीक हो जाए, इट कुड बी ऐसे भी हो सकता है। तो आई स्टार्टेड टेकिंग पैरासिटामोल ओनली सो दैट ठीक हो जाएगा ये सोच के, एंड उससे डेफिनेटली फीवर कंट्रोल हो रहा था। बट आफ्टर फ्यू मतलब कुछ टाइम के बाद मेडिसिन का असर जैसे ही ख़त्म हो रहा था वो फीवर फिर से आ जा रहा था एंड बाय द डे पास्ट मुझे सिम्टम्स आने शुरू हो गए थे। मुझे बॉडी एक एंड फीवर तो था ही एंड मुझे ये भी एक आफ्टर इफेक्ट है, बॉडी एक तो था ही और मुझे गले में बहुत दर्द होने लगा था, मैं कुछ निगल नहीं पा रही थी, निकलने में दर्द था। ये मुझे दो से तीन दिन रहा ये सिम्टम मेरा और फिर ही ठीक हो गया था। एंड गले में दर्द होना एंड ब्रीदिंग टच वर्ड मेरी नॉर्मल रही बट शॉर्ट हो गई थी बहुत। आई वॉज ब्रीदिंग पर मैं बात कर रही थी या मैं बैठ रही थी या मैं खाना खा रही थी तो बहुत शॉर्ट ब्रीदिंग हो जा रही थी एंड मतलब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था कुछ भी, बिल्कुल इतना भी कुछ नहीं किया जा रहा था। मतलब या तो आप लेटे रहो और अगर आप कुछ भी करो, अगर फ़ोन पे बात करूं एंड कुछ भी करूं तो मुझे ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होने लग जा रहा था, सांस मेरी चढ़ने लग जा रही थी। बट टच वुड मुझे ऑक्सीजन का ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं था, ऑक्सीजन वॉज क्वाइट नॉर्मल, जो 95-96 के अराउंड मेरा ऑक्सीजन चल रहा था। सो इट वॉज ऑल गुड, सब कुछ ठीक था। एंड इन माई केस वॉट वी डिड, हमने टेस्ट का वेट नहीं किया, जो हमने RT-PCR का टेस्ट का वेट नहीं किया कि हम वेट करें और हम फिर मेडिसिन स्टार्ट करें। मेरे केस में ये मेरे लिए हेल्पफुल रहा बट आई विल नॉट रिकमेंड यू, आई डिड दैट बिकॉज वो मेरा पर्सनल डिसीजन था कम्प्लीटली कि मुझे ये करना है। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करती किसी को कि आप बिना RT-PCR के कोविड का वो लीजिए, बिकॉज मेरे सारे सिम्टम्स विजिबल थे एंड एट दैट टाइम 30th April मतलब 1st May इन दैट ड्यूरेशन दैट केसेस वर इन पीक, तो कहीं पे भी आपके जो रिपोर्ट्स हैं वो 4-5 days अराउंड ले ही रहे थे, इससे ज़्यादा इससे कम में नहीं था। एंड सो मेरे 2 दिन ऑलरेडी हो गए थे तो एंड 2 दिन भी जब वो फीवर नहीं ठीक हुआ एंड प्रॉब्लम होती जा रही थी, चीज़ें बढ़ती जा रही थी, सिचुएशंस मतलब और परेशानी और अलग अलग सिम्टम्स आने शुरू हो रहे थे। सो वी वर वेरी श्योर दैट दिस इज़ कोविड एंड वी शुड नॉट वेट फॉर द रिपोर्ट टू कम, बिकॉज वो टाइम लेने वाली थी, 4-5 days आराम से वो लेती एंड हो सकता है उससे ज़्यादा ले लेती क्योंकि उस समय पे बहुत सारे केसेस थे एंड तब कंडीशन ऐसी थी कि लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा था, कहीं हॉस्पिटल्स में प्लेस नहीं था एंड कुछ नहीं हो पा रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। सो इन दैट टाइम एंड हम फैमिली में सबने सजेस्ट किया कि वी शुड टेक मेडिसिन बिकॉज तब तक मेरे और भी सिम्टम्स आ गए थे, टेस्ट एंड स्मेल भी ऑलमोस्ट जा चुका था एंड एक्चुअली मैं बोलने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। सो बट आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू गाइस दिस कि क्या रहा मेरे सिम्टम्स, कैसे हुआ, कैसे मैंने क्योर किया और ये सब मैं शेयर करना चाह रही हूँ। सो बाय द थर्ड डे और
या सेकेंड की नाइट और थर्ड का मॉर्निंग आई स्टार्टेड मैं डॉक्टर से कंसल्ट करके कोविड का प्रेस्क्रिप्शन ले लिया था एंड वी स्टार्टेड द मेडिकेशन एंड दैट रियली हेल्प इन माई केस. सच में बहुत हेल्प हुआ. फीवर 3-4 दिन में फीवर कंट्रोल में आ गया था. एंड हो सकता है अगर शायद मैं वेट करती उस टाइम पे, बिकॉज जनरली 24 आवर्स में आपको आपका RT-PCR मिल जाता है. अगर उस समय में अगर मैं शायद 4-5 दिन का वेट करती तो सिचुएशन शायद और बिगड़ सकती थी. मेरे केस में, मैं रिकमेंड नहीं करती इसको, मेरे केस में ये था, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था अबाउट माय थिंग्स. जो मेरे साथ हो रहा था उसके अकॉर्डिंग मुझे लगा कि दिस इज़ द राइट थिंग टू डू. सो ये मैंने किया था. ये मैं रिकमेंड आपको नहीं करती हूँ. प्लीज़ इस पे ध्यान रखेगा कि आप मेरी किसी भी चीज़ को लेके आप कोई भी मेडिकेशन या वो नहीं करेगा, बिकॉज वो आपका पर्सनल, आपके अगर वैसे तो मतलब किसी को ऐसा प्रॉब्लम ना आए, आई विश. अगर इन केस आप ऐसा कुछ फेस करें या आपको डाउट हो रहा है तो फिर भी आप डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही करिएगा, बिकॉज अब आई थिंक केसेस थोड़ा सा नॉर्मलाइज होने लगे, थोड़ा कम होने लगे, नॉर्मलाइज तो नहीं बट अब शायद RT-PCR आपको कैसे, बट बिना डॉक्टर के मैं कंसल्टेशन के आप नहीं करिए. हमने भी प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर से लिया था बट हमने RT-PCR नहीं करा. सो ये सारी मेडिसिंस के साथ मुझे ये रहा. एक सिम्टम जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, आई डोंट नो और लोगों को भी वो फेस कर रहे हैं या नहीं, किसी ने किया या नहीं, बट दैट वाज द मोस्ट पेनफुल सिम्टम ऑफ दिस कोविड जर्नी मुझे जो फेस करने को मिला. एंड सीरियसली मैं बहुत परेशान हुई इसके साथ. नर्व्स में एक मतलब नर्व्स में मेरी नर्व्स खिंच रही थी व्हेन आई वाज सिटिंग और लाइंग डाउन. मैं लेट रही हूँ या बैठ रही हूँ तो नसें ऐसे आपस में खिंच, मतलब ऐसा लग रहा था नसें खिंच रही हैं, मतलब इट वाज वेरी पेनफुल. मैं लेट नहीं पा रही थी, मैं लेट रही थी तो इतना ज़्यादा एक स्ट्रेस मुझे अपनी नर्व्स में फील हो रहा था. देन मैं विद इन अ मिनट मुझे उठना पड़ रहा था. एंड इट ये मेरे साथ रहा 3-4 दिन लगातार उस कंडीशन में, बिकॉज उस समय आप ऑलरेडी बहुत वीक हो, आप कम्प्लीटली ड्रेंड आउट हो और आपको आप लेट नहीं सकते और आप बैठ नहीं सकते. एंड मैं पूरे रूम में रात भर दिन भर चलती रहती थी, धीरे धीरे थोड़ा पाँ चलती थी फिर लेटती थी, कि क्योंकि उस टाइम पे थक जा रहे थे, आप नहीं बैठ पा रहे थे, इतना नहीं कर पा रहे थे. तो मैं लेटती थी और जैसे ही लेटती थी विद इन अ मिनट मुझे उठना पड़ता था क्योंकि इतना स्ट्रेस होता था नर्व्स में. सो 3-4 दिन ही मेरे साथ रहा. इन दिस केस आई वुड सजेस्ट अगर आप में से कोई ऐसा फेस कर रहे हैं या कर रहे हैं या किसी को अगर ऐसा फेस करने को मिलता है, तो इन दैट केस जो जिसने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया दैट वाज गर्म पानी. मैंने बहुत सारी चीज़ें की, मैंने विक्स भी लगाया, वॉलिनी स्प्रे भी किया एंड बहुत सारी चीज़ें करी, पर मुझे उससे हेल्प नहीं मिली. मुझे हेल्प मिली गर्म पानी की सिकाई से. गर्म पानी में नमक डाल के मैं उससे, जब मैंने सिकाई की उससे, मैं 3-4 दिन बाद शायद मैं सो पाई थी, लेट पाई थी आई वुड से. और पहली बार जब मैंने किया था तो मुझे वो रात में मैंने सोने से पहले किया था एंड 3-4 बजे के टाइम से फिर स्टार्ट हो गया था, बट वो इंटेंसिटी बहुत कम हो गई थी, उस इंटेंसिटी के साथ स्टार्ट नहीं हुआ था. मतलब मैं लेट पा रही थी, मैं मुझे उसमें उठने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी कि उठ के मैं घूमूँ, ऐसा नहीं हो रहा था. मैं उस दर्द को बर्दाश्त कर पा रही थी. सो वो इंटेंसिटी बहुत कम हो गई थी एंड वो मैंने 2-3 दिन कंटिन्यू रखा और वो पूरी तरह से फिर चला गया. सो दिस वाज द पेनफुल. ये अब आई डोंट नो ये कोविड का सिम्टम था या व्हाट, बट ये इसी ड्यूरेशन में मुझे हुआ. सो ये सारे मेरे सिम्टम्स थे एंड मैं क्या क्या कर रही थी. सो विद दिस आई वाज टेकिंग काढ़ा. मैं मतलब मुझे 2 बार काढ़ा दिया जा रहा था और मैं भाप ले रही थी 3-4 बार. 3 बार तो एटलीस्ट
मैं ले रही थी जितना भी मुझसे हो पा रहा था। और इसके अलावा डाइट मेरी काफ़ी प्रोटीन वाली मुझे दी जा रही थी, एग्स वगैरह मैं ये सब ले रही थी बॉइल्ड एग्स ब्रेकफास्ट में। और इस तरीके से खाना, क्योंकि बहुत टफ टास्क है कोविड में, सो मतलब एक तो टेस्टलेस है और आपको भूख भी नहीं लगती, टेस्ट कुछ भी टेस्ट फील नहीं कर रहे हैं, और दूसरा भूख भी इतनी नहीं लगती है आपको। तो ये मैं आप सब लोग से कह आप लोगों से आप में से कोई भी अगर ऐसा फेस करें, अगर आप लोग कभी भी ऐसी किसी उसमें आते हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू अपने डाइट को प्लीज़ आप ज़बरदस्ती जैसा भी हो, मतलब चाहे आप निगल के उसे पेट में डाल दें, बट प्लीज़ अपना डाइट आप ज़रूर रखें, मतलब खाना आप ज़बरदस्ती खाएं, क्योंकि ओनली दैट कैन हेल्प यू आपको कोविड से लड़ने में, आपको फाइट करने में। आपको एक यही चीज़ आपको हेल्प कर सकती है, मेडिसिन उसे कम करेंगी, लेकिन आपकी फूड, आप खाना खा रहे हो, क्या खा रहे हो, वो आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको एनर्जी देता है, आपको किसी भी वायरस से लड़ने की एक ताकत देता है। सो अपने खाने को आप ज़रूर मतलब प्रॉपर रखें, बिल्कुल, मतलब मैं खा रही थी, मैं ज़बरदस्ती खा रही थी, आधा घंटा, मतलब आधे घंटे से ज़्यादा, एक घंटा 45 मिनट्स, जितना भी मुझे इतना भी मुझे टाइम लग जा रहा था खाना खाने में, बट आई वॉज टेकिंग अ मील, मतलब मैं अपना मील जितना पॉसिबल हो उतना ले रही थी। सो आप खाना अपना ज़रूर करें, और साथ में प्रोटीन डाइट लें, जो भी आप प्रेफर करें वो, और काढ़ा आप ले सकते हैं, काढ़ा एंड भाप, ये चीज़ें आपको लिटरली हेल्प करने वाली हैं, बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं कर रही थी, एंड आफ्टर इफेक्ट्स जो अभी तक 30th अप्रैल को मेरा शुरू हुआ था, एंड टुडे इज 30th मई, 30th अप्रैल की नाइट से शुरू हुआ था, एंड टुडे इज 30th मई, 30th मई को मैं ये शूट कर रही हूँ। आज पूरे ऑलमोस्ट 30 दिन हो चुके हैं, एंड एक आफ्टर इफेक्ट ये है, ड्राई कफिंग, जो जाने का नाम नहीं ले रही है, आई डोंट नो कब जाएगी, बट आई एम वेरी पेशेंट अबाउट इट, चली जाएगी, अब इतना कुछ ठीक हो गया तो ये भी ठीक हो जाएगा। और वीकनेस इज रियली एक्सट्रीम लेवल पे है, मतलब आप ज़्यादा देर खड़े होकर के कुछ नहीं कर सकते, मतलब आप ज़्यादा फिजिकल कुछ नहीं कर सकते, आप बैठे बैठे जो करना चाहें कर सकते हैं, बट आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो ये दो सबसे मेजर इफ़ेक्ट्स हैं, आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो मैं फेस कर रही हूँ, खांसी और वीकनेस जो बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा जो और इफ़ेक्ट्स हैं, स्लीपलेस, मतलब मेरी स्किन बहुत डल हो गई है, डार्क सर्कल्स हो गए हैं, एंड इसका रीज़न मैं कोविड नहीं कहूँगी ऑब्वियसली, बिकॉज आप स्लीपलेस हो, मतलब आपको नींद ही नहीं आ रही है, ट्रस्ट मी, मतलब इट्स बीन अ वीक और मोर, शायद मैं रात को एक एक दो दो बजे सो रही हूँ, और कभी कभी इससे भी ज़्यादा लेट हो जाता है, मैं पलटती रह रही हूँ, मतलब इधर से उधर पलटती रहती हूँ, बट नींद नहीं आ रही है, आपकी आँखें ना यू नो ऐसी होती हैं, रात को बंद ही नहीं होने का नाम लेती, आती नहीं है पता नहीं क्यों, मतलब एक नई चीज़ हो रही है इसमें। हालांकि पहले भी मुझे ये प्रॉब्लम नींद का मुझे हमेशा से रहता है, मुझे नींद लेट आती है बहुत, बट इस समय तो एक्सट्रीम है। पहले जब ये होता था कि अगर थोड़ी देर आप इधर उधर करो, एक डेढ़ घंटे में मुझे जल्द से आ जाती थी, मैं 7:30 तक उठ जाती हूँ, बल्कि नींद उससे पहले खुल जाती है, बट एक बॉडी आपकी उठ नहीं पाती है, वो आपके साथ हो रहा है, एंड जिसकी वजह से शायद स्किन बहुत डल हो गई है और डार्क सर्कल्स हो गए हैं, ये सब एक एक ये चीज़ मैं फेस कर रही हूँ। और एक्सट्रीम हेयर फॉल, इतना हो रहा है मैं बता नहीं सकती, बहुत हेयर फॉल है,
अच्छा खासा हेयर फॉल है, एक ये एक आफ्टर इफेक्ट ये भी है। एंड इसके अलावा एक जो आफ्टर इफेक्ट्स मैं फेस कर रही हूँ अपने खाने को लेकर, मतलब आई कैन नॉट टेक, मैं टी नहीं ले पा रही हूँ, मतलब शायद जब से कोविड हुआ है तब से ही ये मेरे साथ हो गया है शुरू, ये उसी दिन से 30th, मतलब कोविड के साथ साथ ये चीज़ भी शुरू हो गई थी, मुझे तब भी मन नहीं करता था कर रहा था और अभी भी मन नहीं कर रहा है दूध वाली चाय पीने का, मैं चाय नहीं पी पा रही हूँ, आई फील लाइक मतलब अजीब सा मिचमिची और उल्टी आने वाला फील हो रहा है चाय पीने में, किसी समय एक दो बार पी है मैंने पर उसके बाद मुझे बहुत देर तक बहुत अजीब सी फीलिंग रही है, तो मैं बिल्कुल नहीं पी रही हूँ, आई एम टेकिंग लेमन टी। तो एक ये हो रहा है ऑयली चीज़ों से और सूखी सब्जियाँ मसाले वाली सब्जियाँ इनसे मुझे बहुत बेचैनी हो रही है सोच, मतलब खाने में बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें भी मेरे साथ हो रही हैं, एक अजीब सी वॉमिटिंग वाली फीलिंग हर समय एक रहती है अंदर से कि वॉमिट हो जाएगी। तो ये एक कुछ आफ्टर इफेक्ट्स हैं जो मैं उसके बाद फेस कर रही हूँ। एंड स्टिल आज 30 दिन हो गए हैं अभी भी, मतलब 15 डेज़ का मेरा मेरे आइसोलेशन के बाद से जब से मैं बाहर आई हूँ तब से दी जब से मैं ठीक होना शुरू हो गई 15 डेज़ के आइसोलेशन के बाद भी मेरे टेस्ट और स्मेल मेरा अभी कुछ दिन पहले आया हुआ है, मतलब वो भी मैं कहूँगी टेस्ट तो अभी भी प्रॉपर नहीं है, अभी भी मैं प्रॉपर टेस्ट नहीं कर पा रही हूँ चीज़ें, वो एक जो टेस्ट आता है वो नहीं आ पा रहा है, स्मेल फिर भी मेरी आ गई है अभी और ये अभी कुछ दिन पहले हुआ है, आई वुड से कि 25-26 दिन में मुझे ये वापस मिली है मेरी चीज़, इतने दिन से ले रखी थी, इतने दिन से गायब थी, जो अब जाके वो मुझे मिली है। सो ये सारे आफ्टर इफेक्ट्स आप फेस करें, सो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है तो प्लीज़ लगवा लें, क्योंकि हम जिस फेज़ में अभी हैं हम घर पे भी सेफ नहीं हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मैं घर पे ही थी और मुझे कोविड हो गया बिना कुछ किए कहीं जाए, तो आप घर पे भी सेफ नहीं हो। सो अगर आपने किसी भी रीज़न की वजह से या किसी भी डाउट की वजह से या कुछ भी सोच करके वैक्सीनेशन नहीं लगवाया है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप अपने जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके वैक्सीनेशन अपनी जगह पे जैसे भी आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप जितनी जल्दी हो सके आप अपना वैक्सीनेशन करवाइए, बिकॉज घर पे रहिए सुरक्षित रहिए पर सीरियसली आप घर पे भी सुरक्षित नहीं हैं। सो वैक्सीनेशन इज़ द ओनली थिंग विच कैन सेव यू फ्रॉम दिस अप टू सम एक्सटेंट, आप कुछ हद तक ही आपको बचा सकती है, उसके बाद भी आपको सारे प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं पर फिर भी वो खतरा उतना नहीं है। एंड क्योंकि कई लोगों में डाउट्स देखने को मिल रहे हैं, कई लोग वैसे तो से काफ़ी अवेयरनेस फैला दी गई है पर फिर भी ये एक इनिशिएटिव मेरी तरफ से है कि अगर कोई भी आप में से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक ये वैक्सीनेशन नहीं करवाई है तो प्लीज़ आप करवाएँ और घर पर सुरक्षित रहें, तब आप डेफिनेटली घर पे सुरक्षित हैं अगर आप वैक्सीनेशन लगवा लेते हैं तो। तो ये थी मेरी कोविड जर्नी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, जिसमें मैंने क्या सिम्टम्स क्या फेस किए और क्या कैसे क्योर किया और क्या मेरे आफ्टर इफेक्ट्स हैं ये सब। आई होप मेरे इस वीडियो से किसी को तो हेल्प हो कि वो इंस्पायर होकर वैक्सीनेशन के लिए जाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, I'll see you soon. I hope तब तक मैं और better हो जाऊँगी. So I'll see you soon. And till then, bye. See you and take care. And get vaccinated.